आदर्श ग्रामीण पटेल संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को स्थानीय स्वतंत्रता पार्क में खानदानी ग्राम पटेलों ने सामूहिक बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खानदानी ग्राम पटेल वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कर्तव्य का पालन करते आ रहा एवं बिना किसी मानदेय के अपने कार्य कर रहे। इस स्थिति में खानदानी पटेलों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 10,000 रुपये महीने मानदेय की मांग की। बैठक के दौरान खानदानी पटेलों के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने कहा कि जब सरकार लाडली बहनों को खजाना लुटा रही थी तो केवल तब तक फ्री में सेवा करते थे। श्री पटेल ने कहा कि सरकार उनके पुरखों के द्वारा किए गए कार्य का मेहनता से दे या फिर महीने का मानदेय शुरू दे, अन्यथा ग्राम पटेल का पद समाप्त करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि 1990 से पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं खानदानी ग्राम पटेलों के पुत्र को भी पटेल का उत्तराधिकारी बनाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, पटेल गांव के पटेल इकट्ठे हुए क्या मांगे आपसे? हम गुना के पटेल इकट्ठे इसलिए हुए हैं, इसी प्रकार से हम सब भरे मध्य प्रदेश सब जिलों में इकट्ठे हो रहे हैं कि मामा जी दोनों हाथ से पूरा खजाना लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन पटेल के साथ ना इंसाफ भी कर रहे हैं। हमारी भी मांग है कि गांव के खानदानी पटेल को महीने से मानदेय दिया जाए और खानदानी पटेल का पद खानदानी बनाया जाए। क्या मानदेय की अपेक्षा रखते हैं हम? मानदेय की अपेक्षा रखते हैं कि सरकार कम से कम 5,000 रुपये महीना पटेलों को मान देते। अगर आपकी बात नहीं मानी सरकार ने तो आप क्या करेंगे? हमारी बात अगर सरकार नहीं मानती है और अगर हम की विधानसभा के अंदर अगर एक ही विधानसभा के अंदर 5,000 वोट काटने में कामयाब हुए तो मामा जी को घर बिठा देंगे।